हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें एक ऐसा एंगल पता करना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है। हम इस क्वेश्चन को आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए, हम जानते हैं कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर आपको एक एंगल दिया जाए 100 डिग्री और आपसे पूछा जाए कि इसका सप्लीमेंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 100 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा वो 80 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप 100 को 80 के साथ प्लस करेंगे यानी उनको ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 130 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 50 डिग्री, क्योंकि 130 डिग्री को जब आप ऐड करेंगे 50 डिग्री के साथ तो आपको क्या मिलता है? 180 डिग्री। अभी जो दो एग्जांपल्स हमने आपको बताए स्टूडेंट्स, उनमें जो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे वो अलग अलग थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट का इक्वल है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, यानी जो एंगल हमें चाहिए हमने उसको एक्स लेट कर लिया है। और हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो अगर इस एंगल को हमने एक्स रेट किया है तो इसका सप्लीमेंट भी एक्स होगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो सप्लीमेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इनके सम को हम इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के। अब x प्लस एक्स क्या होता है? x प्लस एक्स होता है 2x, तो यहां पर आ गया 2x इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा, 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए ये 2x है, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो इस 2 को जब हम राइट साइड में लेकर आएंगे तो यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x यहां पर एज इट इज है, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आया, 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज है, और ये 2 जो यहां पर मल्टीप्लाई में था इस साइड में आके डिवाइड में आ गया। अब हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 180 और 2 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 2, और यहां देखिए 2 9 18, बचा क्या 0, ये 0 यहां पर आ जाएगा। तो जब हमने 180 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। और x हमने किसको रेट किया था स्टूडेंट्स? x हमने उस एंगल को रेट किया था जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री, यानी जो एंगल हमें चाहिए था जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है वो एंगल है 90 डिग्री। वैसे तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं, तो आप रफ वर्क में इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री को अगर आप इसके सप्लीमेंट यानी 90 डिग्री से ही ऐड कर दें तो देखिए दोनों का सम क्या आता है? 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट होता है वो 90 डिग्री ही होता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।